करेंगे, दोहराते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यां ओम नारायणं नमस्कृत्य, नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। ततो जये मुदीरयेत्, ततो जये मुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य, ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञानंजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टाम्, श्री चैतन्य मनोभीष्टाम्, स्थापितं येन भूतले, स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदामयम्, स्वयं रूप कदामयम्, ददाति स्वपदान्तिकम्, ददाति स्वपदान्तिकम्, वन्देहं श्री गुरु, वन्देहं श्री गुरु, श्रीयुत पद कमलम्, श्रीयुत पद कमलम्, श्री गुरुं वैष्णवांश्च, श्री गुरु वैष्णवांश्च, श्री रूपं सागर जातम्, श्री रूपं सागर जातम्, सह गण रघुनाथान्वितम्, गण रघुनाथान्वितम्, तं सजीवम्, तं सजीवम्, सजीवम् ताद्वैतं सावधूतम्, ताद्वैतं सावधूतम्, परिजन सहितम्, परिजन सहितम्, श्री कृष्ण चैतन्य देवम्, श्री कृष्ण चैतन्य देवम्, श्री राधा कृष्ण पादाम्, श्री राधा कृष्ण पादा, सह गण ललिता, सह गण ललिता, शाखान्वितांश्च, शाखान्वितांश्च, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत्पते, दीन बंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमोस्तुते,
श्री राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये वांछाय कल्पतरुभ्यश्च वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय जय श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय जय श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मोहे दीजिए
गुरुदेवन के देव गुरुदेवन के देव और ना कछु चाहिए और ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव निश दिन चरणन सेव गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए जो गोविंद दियो बताए। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम पहला स्कंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। महारानी कुंती कैसी महान भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की, इसका अनुमान उनकी प्रार्थनाओं से लगाया जा सकता है। जैसे कुंती माता प्रार्थना करते हुए क्या कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनायश्च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी कहती हैं कि मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों का प्राण बनकर आए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो वास्तव में तो भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जिनका कभी जन्म नहीं होता वो सदा से ही हैं, लेकिन हमने हर एक जन्म और मृत्यु होते हुए ये सब देखा है, बुढ़ापा बीमारियां, तो हमें लगता है कि भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी योग माया के सहयोग से ऐसी लीला करते हैं जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है। जो चिंतामणि धाम, जो भगवान का परम धाम है, गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण लोक भी जिसे कहते हैं, वह चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। इस धरती पर आकर भगवान अपनी लीलाओं का एक नमूना प्रस्तुत करते हैं कि जहां भगवान के उस परम मूल कृष्ण लोक में जो भगवान की नित्य लीला चल रही है, सनातन लीला सदा, क्योंकि वहां दिन और रात नाम की कोई चीज नहीं, नित्य लीला जो चल रही है उसका एक नमूना प्रस्तुत करते हैं इस धरती पर प्रकट होकर। तो कुंती माता कहती हैं उनके चरणों में भगवान के प्रार्थना करते हुए कि वही भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र, देवकी माता जो है उनके लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। और उन्हें प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जिनके उदर के मध्य नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ,
जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनका केवल दृष्टि मात्र जो है उनका चितवन जो है कैसी है, कमल पुष्प के समान शीतल करने वाली, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूं। तो इसमें एक विचारने वाली बात, जो ये श्लोक हो चुका है लेकिन इसलिए दोबारा ये बात इस पर चर्चा की जा रही है कि वास्तव में भगवान का जो दर्शन किया जाता है वो दर्शन किया जाता है भगवान के चरणों से, फिर भगवान के मुखारविंद तक जाते हैं। पहले चरणों से, फिर जंघाओं से, फिर नाभि, फिर वक्षस्थल, फिर मुखारविंद और फिर सर्वांगों के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन कुंती माता जो है वो बुआ है एक उनके बड़ी, तो वो शिष्टाचार को भी ध्यान में रखते हुए वो कैसे प्रार्थना कर रही है। पहली प्रार्थना शुरू की नाभि से, नमः पंकज नाभाय, नाभि से शुरू करके फिर उनके वक्ष पर जो माला धारण करते हैं पुष्पों के, फिर उनके नेत्रों और फिर चरणों के उनकी प्रार्थना की गई, जिसको प्रभुपाद जी यह वर्णन करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसको इस तरह का अभ्यास करना चाहिए कि चरणों से ही फिर मुखारविंद और सर्वांगों तक जाए, ये नहीं कि सीधा मुखारविंद के दर्शन करे। लेकिन कुंती माता जो है भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि एक शिष्टाचार के रूप में बुआ जो है वो चरणों के ना करके उन्होंने क्या शुरू किया उनका दर्शन, क्योंकि वह इससे भगवान लज्जित होते अगर शुरुआत चरणों से करते तो। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से सीधे सीधे ऊपर की ओर उठते हुए फिर मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। तो ये विचार करना चाहिए जब भी हम भगवान के दर्शन करें अर्चा विग्रह के या भगवान के चित्रपट के रूप में, भगवान अनेक रूपों में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, जैसे यथा मन के भीतर जो है बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप पत्थर से बने हुए विग्रह रूप में, धातु रूप, रतन रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि, ऐसे अनेक रूप धारण करते हैं। तो आगे यह प्रसंग प्रार्थना करते हुए महारानी कुंती कहती हैं कि हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आकर लीला करते हैं लेकिन वो देखने में कैसे लगती हैं, बिल्कुल मानवीय, जैसे जैसे हम लोग कर रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण की भी लीलाएं हमारे जैसे लगने के कारण भ्रमित कर देती हैं कई बार, जिसका उदाहरण भागवत में ही है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, इंद्र भ्रमित हो गए भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर, बाल लीलाओं। तो यही बात यहां पर वर्णित है कि ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, महारानी कुंती कहती हैं, और ना ही कोई आपका अप्रिय है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, तो कोई विशेष कृपा पात्र नहीं और कोई अप्रिय है उनके लिए नहीं। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो इसका यहां पर जो वर्णन है कि वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले जाने माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते, जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। जैसे सूर्य नहीं करता कभी, एक समान सब जगह किरणें अपनी फैलाता है, ऐसे ही भगवान भी कभी पक्षपात नहीं करते।
लेकिन ऐसा कई बार कहा जाता है कि अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान प्रभुपाद जी कभी पक्षपात नहीं करते। और भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है, भगवान के समक्ष कह लें, या फिर दूसरा भगवान का अगर नाम जीव पर है और नाम भगवान का लेते हुए अगर शरीर छोड़ता है तो भी उसको निश्चित रूप से गति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है, भगवान के उस परम धाम में उसकी भक्ति के अनुसार जितनी भी जैसी भी उसने भक्ति की उसके आधार पर उसको स्थान मिलता है, जिस भाव में की भक्ति भगवान की, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, जिस भी भाव में। तो महारानी कुंती कहती है कि हे विश्वात्मा, कि जो सारे विश्व की आत्मा है, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है या विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। अर्थात भगवान वास्तव में निष्क्रिय मतलब कोई इस तरह से हमारी तरह से कोई बहुत ही कर्मों में लिप्त नहीं होते, लेकिन दिखता कैसे है, सब अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, ड्यूटीज, जब भगवान आए धरती पे किस तरह से अलग अलग माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, बलराम जी के प्रति किस तरह का व्यवहार है, रोहिणी माता के प्रति, देवकी वसुदेव जी के प्रति, निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि व्यक्ति कर्म भी करे और फिर भी कहीं लिप्त नहीं, वो केवल तभी है कि जब वो कहीं भी आसक्त नहीं हो किसी भी कर्म के साथ। हम क्या होता है, जब कर्म करते हैं तो उसमें मोह या आसक्ति बना लेते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। निष्क्रिय रहते हुए भी आप कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। जो शरीर में जो प्राण शक्ति चल रही है वो प्राण शक्ति रूप आप ही हैं और अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं, सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। अर्थात भगवान अगर साक्षात प्रकट हो चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, तो कोई भी पहचान सकता है, अगर किसी को शास्त्रों का ज्ञान है तो वो पहचान सकता है। लेकिन जब भगवान इस तरह से अलग अलग रूप, जैसे पशुओं के रूप में, जैसे पशुओं के रूप में क्या रूप लिया, शूकर रूप में भगवान सतयुग के अंदर शूकर रूप एक लेकर आए और जब हिरणाक्ष का वध किया, जो कि सामान्य कोई सुअर जैसा नहीं है, एक ऐसा दिव्य सोने का स्वर्णिम जैसे उनके शरीर है, सोने का विशाल का ये शरीर। और मनुष्यों में नर नारायण भगवान में नारायण ऋषि जो है वो नारायण ऋषि के रूप में, और मनुष्यों में भगवान कृष्ण भगवान राम के रूप में आए मनुष्यों में। ऋषियों के रूप में नारायण ऋषि जो है जो आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, दो पर्वतों के रूप में वहां पे विराजमान हो गए संसार के जीवों के कल्याण के लिए, नर नारायण ऋषि के रूप में जो अवतार है भगवान का। और जलचरों के रूप में जैसे मत्स्य भगवान के रूप में अवतार लिया उन्होंने प्रलय के समय, इस प्रकार ये बात कुंती महारानी कहती है बड़ी चकराने वाली है कि आप जब अलग अलग सब अलग अलग अनेक योनियों में भी आगे जब अवतार लेते हैं अनेक शरीरों में, तो बड़ा कठिन हो जाता है कि कोई सामान्य आपको पहचान पाए या समझ पाए। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आए, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए, यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कुंती महारानी कहती है कि ये मेरे को मोहग्रस्त करने वाला है ऐसा दृश्य, कि जबकि काल भी आपके भय से कांपता है,
और आप क्या कर रहे हैं? यशोदा मैया जब आपको बांधने जा रही हैं, आपने कुछ ऐसा जो मटकी फोड़ दिया आंगन में भगवान ने बाल लीला करते हुए, तो मैया जब बांधने लगी तो उनके हाथ में रस्सी है और लाठी है, तो भगवान भय से कांप रहे हैं और आंखों में अश्रु आ गए। तो कुंती माता कहती है इससे ये मेरे मुझे जो है मोहग्रस्त करने वाला है, इस तरह की आपकी ये लीला। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का कि आप वास्तव में तो अजन्मा हैं, लेकिन जन्म लेते हैं पुण्यात्मा जो राजा हैं, ऐसे राजा जो बड़े पुण्यात्मा हैं उनकी कीर्ति को फैलाने के लिए, जैसे राजा यदु की कीर्ति को फैलाने के लिए यदुवंशी कहलाए भगवान प्रकट हुए यदुवंश के अंदर। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं, आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं आज जो हालात बने हुए हैं जैसे, लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक, लेकिन ये जो अभी चल रहा है ये राजा वाला वो नहीं चल रहा है कि हाँ राजा हो तो, लेकिन प्रजातंत्र प्रजा अपने आप से चुनती है अपने प्रतिनिधि को, लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते, अर्थात चुना तो उन्होंने खुद ही है उनको वोट दे के। और राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। और ऐसे ही भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, जैसे सूर्य जो है वो अजन्मा, ऐसे सूर्य के समान सदैव अजन्मा, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज से उदय होता है, जैसे सुबह प्रातः काल पूर्व की दिशा से सूर्य उदित तो होता दिख लगता है, ऐसा ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। वास्तव में सूर्य तो अजन्मा है, वो तो सदा है ही सृष्टि में। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं, निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नी के रूप में कठिन तपस्या की थी, इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह यहाँ वर्णन जो है भगवान के बारे में कि वे आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति, जैसे कोई समुद्री नाव में बहुत अधिक बोझा हो, भार हो, तो इसी तरह से यह संसार भी जब बोझिल हो जाता है, इस संसार में बहुत सारे अधर्मी पापी जब उनके कारण से यह धरती बोझिल हो जाती है, तो अत्यधिक पीड़ित हो उठा जब यह संसार, तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए, इस संसार के इस धरती के कष्ट को दूर करने के लिए, उन पापी लोगों का वध करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। जैसे यहां वर्णन है ब्रह्मा जी के बारे में कि आपके पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी जो हैं, तो लक्ष्मी जी नारायण के निकट प्रभुपाद जी कहते उपस्थित थी उस समय में जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ,
कमल पुष्प पे जो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, भगवान नारायण की नाभि से या भगवान गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि, तो लक्ष्मी जी नारायण भगवान के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी लक्ष्मी जी। तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमता कि वो सर्वशक्तिमान है। अगर किसी को जन्म देना है तो आवश्यक जरूरी नहीं कि उनको कोई किसी स्त्री का कोई संपर्क से ऐसे संतान को उत्पन्न करना पड़े। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए ब्रह्मा जी को आत्मभू कहलाए ब्रह्मा जी, स्वयं प्रकट जो। और इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है जो शिरोदक शाही विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है, जैसे अधर्मी या पापी लोगों का बढ़ जाना, कोई भी एक संकट उत्पन्न होता है, तो जिसे अधिशासी देवता, जो शासन करने वाले देवता हैं, जैसे 33 करोड़ देवी देवता जो कहे जाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन देख रहे हैं, जिस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, अनेक ग्रह उपग्रह हैं, और उन सब लोकों में जीव रहते हैं, सूर्य लोक में भी हैं, जीव रहते हैं, लेकिन कैसे हैं, अग्नि प्रधान शरीर है उनके, उनके शरीर में अग्नि प्रधान है, इस तरह से समस्त लोकों में जीव। तो ये सब जो देवी देवता हैं, जब नहीं सुलझा पाते कोई ऐसा संकट आ जाए ब्रह्मांड में, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे शिरोदक शाही विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवता समेत ब्रह्मा ने शिरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे, इसलिए अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना से हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को ये बताया कि मैं वसुदेव देवकी जी के यहाँ प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आविर्भाव हुआ, तथा कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए। आगे कुंती माता कहती हैं, अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हैं अलग। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप किस लिए प्रकट हुए, अपनी भक्ति का को जागृत करने के लिए दोबारा से संसार में, कि आपकी लीलाओं का श्रवण करके, स्मरण करके, मन के द्वारा चिंतन करके और आपकी पूजा करके, इस तरह से इसलिए आप प्रकट हुए, अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। जो हम चाहते हैं ना कि हमारी मुक्ति हो जाए जन्म मरण के चक्र से या कष्टों से, हमारा छुटकारा हो जाए हमेशा के लिए, तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है। महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि आपकी जो दिव्य लीलाएं हैं उनका श्रवण स्मरण पूजन आदि करने से क्या होता है, भौतिक कष्टों को भोगने वाले जो बद्ध जीव हैं हम सब, इसका लाभ उठाकर श्रवण स्मरण पूजन आदि का मुक्ति प्राप्त कर सकें, इसलिए आप प्रकट हुए, यहां लीलाएं करें। जिसका प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश
उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन सत्वन स्तुति करना, उनके सत्वन आत्मनिवेदन पूर्ण समर्पित हो जाना उनके, तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को आप जागृत करते हैं इस संसार में प्रकट होकर, हेतु की कृपा, बिना हेतु के जीवों पर, बद्ध जीवों पर कृपा करते हुए, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते, मतलब जीव जितनी आशा भी नहीं रखते उससे भी अधिक भगवान कृपालु हैं, लेकिन हम उनकी कृपा को क्यों नहीं ले पा रहे दुर्भाग्यवश, क्योंकि हम इस मन को अभ्यास ही नहीं कर रहे सीरियसली गंभीरता से। कुछ देर करते हैं अभ्यास, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ देर करते हैं, फिर बाकी दिन खो जाते हैं संसार के। उपर्युक्त में से सारी विधियां, जो ऊपर सारी विधियां बताई गई हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन सत्व आत्मनिवेदन शरणागति, सारी विधियां या फिर किसी एक ही विधि को कोई ग्रहण कर ले, तो ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर, जो अज्ञान का अविद्या का बंधन है, क्या बंधन अविद्या का, कि मैं हूं तो आत्मा लेकिन अपनी पहचान कर रहा हूं इस भौतिक शरीर से, शरीर फिर शरीर की जन्मभूमि, शरीर से संबंधित वस्तुएं और व्यक्ति, उनसे अपनी पहचान और संबंध जो मान रहा हूं, इस अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा, जो भगवान के बहिरंगा शक्ति हैं, जो दुर्गा देवी के रूप में हैं, तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति समस्त जीवों को उनकी इच्छाओं के और उनके कर्म फलों के आधार पर भ्रमित किए हुए संसार में, मोह में, आसक्ति में, बंधन में, जन्म मरण के चक्र में फंसाए हुए हैं, इन भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है अगर कोई या तो सारी विधियां या कोई एक भी विधि अपना ले, श्रवण अपना ले, कीर्तन अपना ले, स्मरण अपना ले, पूजन अगर इन्हें अपना, तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाती। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई। क्या कृपा प्रदान की महाप्रभु द्वारा? महाप्रभु ने कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि, सदा भगवान के नाम का कीर्तन। वो कीर्तन करने से क्या है, जन्म मरण के चक्र से हमारी मुक्ति हो सकती है, छुटकारा हो सकता। जैसे एक और शब्दों में कहा महाप्रभु ने, पापी तापी या तो चीला हरि नाम उद्धारी लो। कोई कितना भी पापी दुराचारी क्यों नहीं रहा अपने पूर्व के जीवन में, पास्ट में, लेकिन आज से मन मना ले कि अब बचे हुए जीवन में मैं दोबारा वो पाप नहीं करूंगा और हरि नाम शुरू कर दे करना। कैसा? कीर्तनिया सदा हरि, सदा हरि नाम। जब भी जीव खाली है नाम चलना चाहिए जीव के ऊपर, अगर ऐसा करे कोई तो हरि नाम उद्धारी लो, उस हरि नाम से उसका उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, यहाँ पे शब्द क्या है, निरंतर, हरे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का, जो आपने दिव्य लीलाएं की, उन लीलाओं का अगर निरंतर श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, या फिर कोई दूसरा अगर श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहा है तो उसे देख के हर्षित होते हैं, या तो खुद करते हैं या दूसरे को देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। अगर भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो उससे क्या है, बार बार का ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाता है, फिर दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता जन्म लेने आत्मा को। लेकिन कब, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण कीर्तन स्मरण या तो करते हैं, या जो श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं उनको देख के हर्षित होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तो वो एकमात्र योग्यता क्या है? भक्तिमय सेवा, भगवान की निष्काम भक्तिमय सेवा भगवान कृष्ण की करना, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत भगवान के विषय में श्रवण करने से, लेकिन शुरुआत होती है श्रवण करने से। भक्तिमय सेवा की पहली शुरुआत श्रवण से है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए, अर्थात ये नहीं कि कोई भी मनगणंत अपने तरीके से कुछ भी खाली किसी को भी भगवान कह के कुछ शुरू कर दे, जैसे आज समाज में कितना कुछ है, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को, जिसको जो मन अपना उस पर चल रहे हैं पथ। लेकिन अगर सही जो शास्त्र प्रमाणित है, जो वैदिक ग्रंथों से गीता भागवत जैसे जो ग्रंथ हैं भगवान वेद व्यास जी के दिए, जो श्रवण सही स्रोत से अगर किया जाए, सुना जाए सही स्रोत से, तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, तुरंत प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति के जीवन में। सामान्य लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं, सामान्यतः लोगों को मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में ठीक से, तो वो क्या है, कहीं से भी श्रवण करते हैं, और वो क्या, अपने मनगणंत कुछ भी उनकी समझ के अनुसार वो अपना मार्गदर्शन देना शुरू कर देते हैं समाज को, और समाज चलने भी लगता है, जैसे पीछे टीवी पे भी दिखाया जा रहा था। तो हजारों एक अनुयायी बने हुए हैं किसी के, तो वो उनको कष्ट बताना, उन्होंने गुरु जी कह के, उन्होंने क्या कहना, ऐसा करो फलानी हलवाई की दुकान से जलेबी खा लो, उसे कष्ट दूर हो जाएगा, फलानी शराब की बोतल वहां से खरीद लो, वो लेने से हो जाएगा। फिर वही व्यक्ति आके दोबारा अगले प्रोग्राम में बोला कि मैंने वो शराब की बोतल ली भी लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो फिर आंखें बंद करके जरा सोचा, हम देख रहे थे वो प्रोग्राम बालाजी का, तो फिर कहता है अच्छा ये वाली नहीं, अब दूसरी वाली इस नाम की शराब की बोतल। कैसे मूर्ख बनाए जा रहे समाज को, भगवान के नाम पे उनकी श्रद्धा का कैसे उसका दुरुपयोग किया, सारे श्रद्धा की। लेकिन लोग चाहते भी ऐसे ही सस्ते हैं कोई गुरु, लोग चाहते हैं हमें गुरु तो मिल जाए लेकिन ऐसा गुरु जो नियम कोई ना बताए, कोई नियम संयम ना बताए, बस जैसे हम जीवन जी रहे हैं जीवन वैसे ही जीता, लेकिन ये हो जाए कि हाँ हमारा गुरु है बस, ना नाम का गुरु, तो उनको फिर वैसा मिल भी जाता है उसी तरह का। लेकिन वास्तव में जब तक जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो स्वयं भगवान ने जो नियम बताए हैं धर्म के, जब तक वो गुरु उनके लिए उनको शिक्षित ना करे अपने शिष्यों को, तब तक उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, जब तक वो उन्हीं अपनी वासनाग्रस्त आदतों के अगर शिकार बने हुए हैं बुरी आदतों के। इसलिए यह वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतः लोग अनधिकृत, जिसको प्रमाणित नहीं है कोई, लेकिन ऐसे अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं, सुनते हैं। पहले उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा, अपने समय को गंवाना ही होगा ऐसे लोगों से श्रवण करना, जिनको खुद मालूम नहीं है ईश्वर या भगवान के बारे में सही, और वो आगे समाज को संस्था बना के शिक्षित कर रहे हैं, करने में लगे, तो समाज कहाँ जाएगा, विचार करके देखें। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। अगर श्रवण विधि पूर्ण और पक्की हो जाए, श्रवण विधि का मतलब क्या है, जो हम सुनते हैं उसका मनन करें, चिंतन करें, और चिंतन करके अपने जीवन में उतारें, उसको व्यवहारिक रूप दें, तो श्रवण सार्थक कहा जाएगा। केवल मात्र सुन लिया उसके बाद फिर संसारिक जीवन में खो गए, वो श्रवण के साथ मनन भी होना चाहिए भगवान की लीलाओं के बारे में। ऐसे जो भगवान की लीलाएं हैं, जैसे कुंती महारानी उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और स्मरण करके फिर प्रार्थना कर रही हैं, स्मरण करते हुए कि आप अजन्मा हैं लेकिन लीला ऐसे करते हैं आप, एक बार के लिए अच्छे खासे कोई भी भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता। जैसे उदाहरण दिया कुंती माता ने स्मरण करते हुए एक भगवान की लीला का, बाल लीला का, कि आपने कोई अपराध किया और यशोदा मैया ने आपको रस्सी से बांधने जब लगे, आप इतने भयभीत हो गए कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, डबडबाने लगे, जबकि सच्चाई क्या है कि काल भी आपसे भयभीत होता है और आप मैया से, यशोदा मैया से भयभीत हो रहे हैं। कैसे, मतलब लीला कहते मैं तो इससे मोहग्रस्त ही हो गई, मैं समझ ही नहीं पा रहे कुछ,
इस लीला का जब मैं स्मरण करती हूँ तो। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं, ऐसी व्यर्थ की कोई मनगणंत का उनमें उलझता नहीं है सुनाने में, गलत भ्रमित करने में समाज। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से भरे रहने वाले, किसी भी तरह की संसारिक आसक्ति नहीं है उनको, उससे परे हैं वो। वो हमारी तरह मोह में या आसक्ति में नहीं पड़ जाते किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है देख लीजिए कि द्वारिका पहले बसाई, वहां पे करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों, और जिस समय भगवान का जाने का समय आया तो पूरी द्वारिका समुद्र में डुबो दी और भगवान को कोई उसका दुख नहीं है, निर्लेप है, बिल्कुल लिप्त नहीं है। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आप जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि ये वर्णन तब का है जिस समय में युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया और हस्तिनापुर से सारे विश्व पर जब राज्य करने लगे, सब राजा उनके नीचे रहते थे उनके मार्गदर्शन आज्ञा में, और भगवान ने कहा ठीक है अब मैं चलता हूँ द्वारिका के लिए, काफी समय हो गया मैं द्वारिका गया नहीं हूँ, वहां भी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरे, और भगवान रथ पर सवार हो गए। तब कुंती माता की यह प्रार्थना है, तो कुंती माता कहती है हम तो पूरी तरह से आप पर आश्रित हैं। यहाँ पूछने वाली बात क्या है कि हम भी आश्रित होना चाहते हैं, लेकिन कैसे? थोड़ा सा कुछ भगवान पे आश्रित, कुछ बैंक बैलेंस पे आश्रित, कुछ पति या पत्नी पे आश्रित, कुछ बच्चों पे आश्रित, कुछ माता पिता पे आश्रित, अनेक तरह के आश्रित ढूंढे हुए हैं। थोड़ा बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टरों पे आश्रित होने का सोचेंगे, लेकिन पूरी तरह से भगवान, कुंती माता कहती हम तो पूरी तरह आप पे आश्रित। कोई भी संकट आया, कुंती माता ने, उन्होंने द्रौपदी माता ने सीधा भगवान कृष्ण को ही याद किया उस संकट के समय, हम तो पूरी तरह आप पर आश्रित हैं और हमारा कोई रक्षक भी नहीं है आपके अलावा। ये कुंती माता का मनोभाव है जो प्रकट कर रहे हैं। और जब सारे राजा हमारे शत्रु बने हैं, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कुंती माता प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। ये हमारे को संसारिक रोग, भौतिक रोग जो लगा हुआ है, भौतिक रोग क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसे भव रोग या भौतिक रोग भी कहते हैं। इस भौतिक रोग का कारण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार, स्वतंत्र बनने का, किसी के अंकुश में नहीं रहना। आज हम आश्रम में आकर या भगवान के चरणों में या गुरु चरणों में आके क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि हम स्वतंत्र रहने का जो मन को आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है कई जन्म जन्मांतरों से, अब वो अंकुश में नहीं जाता। घर में रहेंगे तो अपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जब मन चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम गुरु चरणों में रहेंगे तो मन मर्जी कैसे करेंगे? इसलिए मन कहते नहीं नहीं गुरु चरणों में नहीं जाना, जो ज्ञान लेना है बस यही घर पे रह के ले लो पूरे ज्ञान को। लेकिन अगर संसारिक भी एक पढ़ाई को हम पूरा घर पे रह के नहीं कर सकते, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग के कंप्लीट कर सकते, तो हम कैसे भगवत प्राप्ति की पढ़ाई को हम केवल घर पे रह के सोचते कि पूर्ण कर लेंगे? विचार करके देखिए इस बात को। तो यहाँ पर यही जो हमारे मन को आदत पड़ गई है ना स्वतंत्र बनने की, यही एक ही जन्म में रास्ता तय नहीं होने दे रहे। मन आदत छोड़ना नहीं जाता और हम मन के वशीभूत हो रखे, मन की बात मानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा अगर कोई हमारा शत्रु है तो वो कौन है? हमारा मन है सबसे बड़ा शत्रु इस संसार में। उसी ने हमें बंद फांस फंसा के रखा हुआ है संसार, और ज्यादातर लोग इसी पर विश्वास करते हैं, इसी मन के ऊपर। जो मन अंदर से बोलेगा बस उस पर विश्वास करते हैं, मन के ऊपर। कोई भी कि हम गुरुमुख हो ये ना हो कि मनमुख होके जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए रास्ता तय नहीं हो पा रहा। ये कारण है रास्ता ना
श्रवण भी करें कीर्तन भी करें तो भी रास्ता पूरा तय होता या उन्नति होती हुई क्या नहीं क्यों नहीं दिख रही भक्ति में, क्योंकि मनमुख हो रखे हैं गुरुमुख ने। या तो हम गुरु चरणों में आके गुरुमुख हो जाएं, या फिर जहां है वहीं पर गुरुमुख हो जाएं कि अपने 24 घंटे के कार्य गुरुमुख होके करने हैं। अगर गुरु जी ने और शास्त्र ने कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना है 4 से 6 तो बस नहीं सोना, संध्या काल 6 से 8 ठीक इसी तरीके से। तो ये विचार करना चाहिए अगर शास्त्र की बात को और चारों नियमों को अगर कहा कि इसका पालन की मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं लेना तो बस नहीं लेना फिर उसके बाद में। इसमें फिर पक्के हों कि हम जहां भी रह रहे हैं हमें इस नियमों का पालन करना है, या किसी तरह का नशा नहीं लेना तो नहीं फिर लेना है। चाय कॉफी भी अगर नशा है अगर तो मुझे किसी भी तरह का नशा नहीं लेना, क्यों शास्त्र और गुरु कह रहे हैं इसलिए। मुझे गुरुमुख होना है जहां भी मैं हूं, या तो ऐसा बन जाए। लेकिन जब और जब संयमित जीवन केवल संतान के लिए पति पत्नी का संबंध होने तो अन्यथा संयमित जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो दोनों के द्वारा मित्र की तरह रहे ऐसा फिर तो उस नियम का मुझे दृढ़ता पूर्वक पालन करना है अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो इस बातों का विचार करना होगा और सच बोलना है। जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजार ये नहीं, मनगणन तो बातें नहीं करनी है। मन के आधार पर गीता और भागवत के अनुसार मुझे बात करनी है और अपने जीवन को ढालना है। या तो हम जहां हैं वहां पर ऐसा ढले दृढ़ता पूर्वक तो भी रास्ता खुलने के आसार बन जाएंगे। और फिर जो बताया है शास्त्र में उसके अनुसार महाप्रभु के कीर्तनीय सदा हरि, हर समय नाम कीर्तन का अभ्यास करें। जैसे गुरु महाराज कहते हैं श्वास श्वास से कृष्ण जपो, व्यर्थ श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। इस श्वास श्वास से कृष्ण का नाम जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर श्वास से लगातार नाम जप। क्योंकि गारंटी नहीं कि दोबारा अगले श्वास कब इस समय में ये तार टूट जाएगा श्वासों का, लेकिन अभी क्या करें हमें लग रहा नहीं नहीं बहुत लंबी आयु है अभी अचानक थोड़ी ऐसे हो जाए, अभी तो मेरे को कोई बीमारी भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति उसका अभ्यास नहीं उस तरह से नाम जप का कर, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का नाम जप करने का, या कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना से भावित होकर अपनी दिनचर्या 24 घंटे की वैसा ढालना। इसलिए फिर ढीली ढाली साधना से भर कैसे भगवान मिलेंगे, भगवान तो पूर्ण भक्ति से मिलेंगे प्रभु गुरु महाज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति से भगवान कृष्ण ही मिलेंगे। इसलिए मन बनाना चाहिए कि इसी जीवन में मुझे भक्ति पूर्ण करनी है, और अगर नहीं समझ आ रहे तो हम प्रश्न करके उसके अनुसार जीवन ढालें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति को प्रभुपाद कहते हैं क्रूर, बड़े कठोर है ये। जिस समय अगर कोई पाप करता है अपराध करता है अनीति करता है हिंसा करता है उसके लिए ये संसार ये प्रकृति जो है नेचर जो है ये बहुत क्रूर हो कठोर हो जाती है। जिसका एक उदाहरण है ये कोरोना बीमारी, देखिए प्रकृति कैसे कठोर हो गई कि कोई कितना कुछ अब कर ले, इतना समय दिया 100 साल तक लगातार पिछले 100 सालों में, लेकिन जब लोग नास्तिक बनते गए लोग मांसाहार मदिरा पान बुरे कर्मों को नहीं छोड़ा तो परिणाम में प्रकृति इतनी क्रूर हो गई है। 2020 से कब से बीमारी शुरू हुई है अंत होने का कहीं नाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। पहली लहर आई पहले फर्स्ट वेव आई, अब फिर दूसरी, अब इस समय चल रही है सेकेंड वेव, अभी तीसरी वेव की फिर दोबारा न्यूज आ रही है कि इसके बाद तीसरी भी आएगी अभी लहर इस बीमारी की, वो इससे भी बढ़कर होगी आगे। तो क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती, फिर प्रकृति कंट्रोल करती है। जैसे कोई मन मर्जी करे समाज के अंदर रहते हुए तो परिणाम में पुलिस उसको कंट्रोल करती है, उसका ठीक करती है दिमाग, उसकी बदमाशी जो करता है ये कानून को तोड़ता है। ठीक ऐसे ही भगवान के बनाए जब कानूनों को, जो भगवान ने कानून बनाया नो मीट ईटिंग नो इंटॉक्सिकेशन नो इलिसिट सेक्स नो गैम्बलिंग, कि कोई मांसाहार नहीं मदिरा पान नहीं विषय वासनाओं का भोग विलास का जीवन नहीं संयम का जीवन,
और कोई किसी तरह का झूठ बोलना या जुआ खेलना ये सब नहीं, लेकिन जब उसका पालन नहीं किया तो परिणाम क्या हुआ, तो भौतिक प्रकृति, क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं, हमें मनमर्जी नहीं करने देती, उसी का परिणाम है ये अकाल मृत्यु। समय से पहले ही लोग जा रहे हैं दुनिया छोड़कर। कलयुग की कम से कम उम्र 100 साल बताई है, लेकिन लोग किस उम्र में जा रहे हैं, देखिए हर उम्र के, कोई 60 साल का तो कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, और कोई बच्चे भी जा रहे हैं शरीर छोड़कर। इसका विचार करना चाहिए गंभीरता पूर्वक, अगर हमें इससे बचना है, ऐसी परिस्थितियों से निकल, तो हम विचार करना चाहिए ऊपर उठना है तो, कि स्वतंत्र जीवन जीने का तरीका ये गलत है। मनुष्य जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन संयमित जीवन जीने के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त पक्का करने के लिए मिला है, भक्ति करके भगवत धाम में वापिस लौटने के लिए भगवान की सेवा में। यहाँ पे हम खाने सोने मौज मस्ती के लिए नहीं आए, जिसे कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, जैसे गुरु महाराज गुजराती में कहते हैं धाम धूम ना धड़ाका, तो इसके लिए ये जीवन नहीं मिला। विचार करना चाहिए इस बात का और गंभीर बनना चाहिए भक्ति के अंदर। और आगे वर्णन है इस बात का, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत पुराण में वर्णन है पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई घटना, कहे कि उनके लिए, पांडवों के लिए भगवान का विछोह, भगवान से बिछुड़ना, जब भगवान अब द्वारिका जाने के ये रथ पर सवार हो गए हैं, तो पांडवों के लिए भगवान से बिछुड़ना कैसा है, वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना, किसी मछली को पानी से अलग कर दिया जाए और उसको बढ़िया और कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, एक बढ़िया एसी रूम के अंदर उसको डनलप के गद्दे पे लिटा दिया जाए मछली को पानी से निकाल के, उसके साथ में बहुत सारे जो भी सुविधाएं है सब दे, लेकिन मछली जो है वो बच नहीं पा, उसका जीवन तो पानी में है। इसी तरह से पांडवों का जीवन भगवान कृष्ण के प्रति, हर समय कृष्ण के साथ उनके चिंतन में, उनके सेवा में हर समय लगे रहे, तो पांडवों का ऐसा जीवन उनके वियोग में ऐसे छटपटाने लगे जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, जैसे किसी ने वज्राघात किया हो उनके ऊपर, कोई बड़ी भारी चट्टान गिर गई हो कोई ऐसे उनके ऊपर, कड़ी बड़ी भारी विपत्ति आ गई हो, ऐसी हालत हुई कुंती माता की, इतनी भयभीत हो गई और भगवान को प्रार्थना करने लगी, आंखों में आंसू भर के रोते हुए। कुंती माता कहती हैं, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, जब तक आत्मा शरीर में है तो सभी बड़ा लोग कह रहे हैं हाँ जी देखो ये कितने अच्छे हैं, इन्होंने ये कार्य किया, इनका बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, अदृश्य हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, उसका सारा नाम और यश समाप्त हो जाता है। उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, कुंती माता भगवान कृष्ण कहती हैं, अगर आप हमारे ऊपर, मेरे पर और मेरे पुत्रों पर अगर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे पांडवों पर, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी, उसी समय हमारा सारा यश समाप्त हो जाएगा अगर आप कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। कुंती माता को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है, ये भगवान के कोई भक्त ही इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जो भक्त नहीं होगा ना वो हमेशा कहेगा मैंने किया, तो कोई थोड़ा सा काम हो गया तो कहेगा देखो मैंने किया ना, ये बड़ा मान कर मैंने किया, रट लगाएगा, हम ये करेंगे, हमने ऐसा किया, हम ये कर रहे हैं। सामान्यतः ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये अधिकतर इसी तरह के अपने लेक्चर्स में बोलते हैं अपने कि हमने पहले ये किया, अब ये कर रहे हैं, आगे हम ये करेंगे, बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं बातें, लेकिन जो भक्त हैं वो ऐसा नहीं कहते, कभी भी अपने मुख से ना मन में सोचते हैं ना कहते हैं। कुंती माता जो भगवान की भक्त हैं क्या कहती हैं कि उनको कुंती माता कहते हैं, मुझे पूर्ण के पूरी तरह से ये बात ज्ञात है कि हम पांडवों का अस्तित्व जो है एकमात्र श्री कृष्ण की शरण है, कृष्ण के कारण से है केवल अस्तित्व। आज जो हमारी पहचान है संसार के अंदर, जो हमारा यश गाया जा रहा है पांडवों का,
एकमात्र श्री कृष्ण के कारण। तो जब केवल भक्त ही ऐसा सोच सकते हैं, वो कभी भी किसी चीज का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार जब ये मोमेंट शुरू होकर फैलने लगा, तो प्रभुपाद जी को किसी ने कहा विदेश में, जो भक्त जुड़े थे उनके माता पिता ने, कि प्रभुपाद आप जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन उन्होंने तो एक केवल भारत में ही किया प्रचार, पूरी दुनिया में तो आपने किया है प्रचार। तो प्रभुपाद जी देखिए क्या कहते हैं, जो भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में ये प्रचार जो पूरी दुनिया में हुआ वो किया तो चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन उन्होंने मेरे को इसका क्रेडिट देना चाहा, कि मेरे को उन्होंने निमित्त बनाकर मेरे को क्रेडिट देना चाहते थे इसलिए उन्होंने, लेकिन किया तो महाप्रभु ने ही है, उन्होंने अपने ऊपर प्रभुपाद जी ने लिखा कि मैंने किया ये बात। तो यही भक्त की सोच होनी चाहिए, जो कई बार हम व्यवहारिक जीवन के अंदर हम इस तरह का करते हैं, उससे हमारा अहंकार अभिमान और बढ़ जाता है। आगे कुंती महारानी कहती हैं, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, क्योंकि भगवान कई महीने रहे हैं वहां पर हस्तिनापुर में। तो परिणाम में कुंती माता कहते हैं आपके चरणों की छाप, आप इस धरती पर चल रहे हैं हस्तिनापुर के, ये जो दिल्ली का और दिल्ली से जुड़ता हुआ जो मेरठ से पहले का इलाका है दिल्ली का, ये हिस्सा पड़ता है हस्तिनापुर था पहले, ये हस्तिनापुर कहलाता था। कितनी बार भगवान वृंदावन से आए दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन गए। तो कुंती माता कहती है कि आपके चरणों की, हमारे राज्य में चरण चिन्ह जो है आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, और इसके कारण यह सुंदर लगता है आपके चरण चिन्हों के कारण से, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते भगवान के चरण कमल या तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं चरण कमलों में। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं आपके चरण चिन्ह पड़ने से, आपकी उपस्थिति के कारण हमारे जितने भी ये नगर और ग्राम हैं, गांव हैं, ये सब बड़े समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, खूब जड़ी बूटियां उग रही हैं, अन्न प्रचुर मात्रा में है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। आपने कृपा पूर्वक इन सब पर दृष्टि डाली तो इसी से ये सब हुआ है। ये है भगवान की चितवन, जिसका वर्णन पहले आया था, भगवान की चितवन शीतल करने वाली है, भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ने से ऐसी हस्तिनापुर की स्थिति है जो कुंती माता बता रहे हैं। अतः हे ब्रह्मंड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। अब कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं अपने उस स्नेह के या अपने उस आसक्ति या मोह के बंधन को खत्म कर काट देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने आप से अगर प्रयास करते हैं तो हम अज्ञान से, मोह से, इससे आसक्ति से निकल नहीं पा रहे, कितने जन्मों से ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन और फंसते जा रहे हैं, या निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा। इसलिए उचित तरीका क्या है, कुंती माता बता रही है, भगवान के चरणों में श्री कृष्ण के प्रार्थना की जाए इसके लिए। किसके माध्यम से? भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से। तो यहां पर यही कुंती माता कहती हैं कि हे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांड की आप आत्मा हैं, आप विभू हैं। एक होता है अणु, एक होता है विभू। अणु आत्मा है, हम सब आत्मा है, लेकिन विभू हैं परमात्मा, जो सब आत्माओं के हृदय में वास करते हैं, सब जीवों के हृदय में। हे विश्व रूप, आप विश्व रूप हैं, जो भगवान ने जैसे अर्जुन को विराट रूप में दिखाया, सारा विश्व जो है उनके, ये सब कुछ जो सृष्टि है उनके शरीर में ही है, जितने ये पहाड़ हैं,
इस पर जो पेड़ हैं ये सब रोए हैं, उनके नसनाड़ियां हैं, नदियां जो बह रही हैं, इस तरह से पूरे 11वें अध्याय में भगवत गीता के वर्णन है भगवान के विश्व रूप या विराट रूप का। तो कुंती माता कहती हैं, हे विश्व रूप, अर्थात को इनको पूरा ये बात का ज्ञान है कि कृष्ण क्या, कृपा करके मेरे स्वजनों, जो मेरे अपने पारिवारिक जो स्वजन है, रिश्तेदार संबंधी हैं, और पांडवों के प्रति जो उनके पुत्र हैं, तथा वृष्णियों के प्रति जिस वृष्णि कुल में उनको आए हैं, तो वृष्णि वंश के प्रति इन सबसे मेरे स्नेह बंधन जो हैं, आप कृपा करके वो काट दीजिए, स्नेह बंधन मेरे। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। जैसे गंगा नदी निरंतर बहती चली जा रही है समुद्र की तरफ एक स्वाभाविक रूप से, ठीक ऐसे ही कुंती माता कहती हैं कि मेरा भी जो आकर्षण है मेरे मन का, वो आकर्षण अन्य किसी ओर ना बटकर आपकी ओर निरंतर 24 घंटे केवल आपकी ओर ही बना रहे मेरा आकर्षण। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। जब पूरा ध्यान केवल भगवान की ओर लगा रहेगा ना, भगवान की प्रेममय सेवा की ओर, तो फिर रास्ता खुलेगा। अभी सारा ध्यान नहीं है, कितना सारा, अभी कुछ ध्यान क्या है, पति की तरफ है, बच्चों की तरफ है, पत्नी की तरफ है, और कई संसारिक वस्तुओं व्यक्तियों की तरफ है, अनेक कार्यकलापों के प्रति है, कई कर्तव्यों के प्रति है, उसको कर्तव्य मानकर हम उसमें फंसे हैं। तो यहाँ कुंती महारानी क्या कहते हैं कि जब पूरा ध्यान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तो तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लगा रहता है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक स्वाभाविक है कि व्यक्ति में इच्छाएं होती हैं, क्रोध आना, लोभ होना, या ये सब बातों के लिए, तो ये सब, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं केवल इसके उद्देश्य को बदलना, अर्थात जो संसार में ये केंद्रीकरण हमारा मन इच्छाएं कर रहा है, क्रोध कर रहा है अनेक संसारिक इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए जब नहीं होती, तो या लोभ या आकर्षण, इसको कृष्ण की ओर मोड़ना है, उद्देश्य खाली बदलना। ये सब तो रहेंगे ही, इच्छा भी उठेगी ही, क्रोध भी, जैसे क्रोध किया हनुमान जी ने किया, इसलिए भगवान राम के उस पूर्ति के लिए उनकी आज्ञा हुआ, सारी लंका को जला दिया, लेकिन वो क्रोध करना भी उनका भक्ति हो गया हनुमान जी का। तो इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, इनके उद्देश्य को बदलना होता है। भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना, अपने खुद के भोग में लगाने की जगह, इंद्रिय तृप्ति की जगह, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। इच्छाओं को इच्छा करनी है, लेकिन भगवत सेवा की, भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, उनका प्रचार कैसे हो भक्ति का, खुद हम भक्ति कैसे ठीक से करें 24 निरंतर। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति जो तथा कथित कहने को जो स्नेह है हमारा, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश या अन्य ऐसे इत्यादि, तो ये कहने को जो तथा कथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। केवल इसमें कहीं ना कहीं कम या ज्यादा इंद्रियों का तर्पण ही है, अपने इंद्रियों का। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। जब सब इच्छाएं केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम करने लगेंगे, तो तब कहा जाएगा कि हाँ यह भक्ति है, भक्ति कहलाते हैं। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं।
जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। ये कितनी महान है, इससे विचार करें कुंती महारानी जो है कैसी उनकी भक्ति है कि निरंतर केवल कृष्ण पर ही आश्रित हैं, पूरी तरह से हर समय कृष्ण का ही स्मरण करती हैं, भगवान कृष्ण को ही केंद्र में रखकर अपने सारे व्यवहार कर रहे हैं। उनकी स्तुतियों से, प्रार्थना से उनकी पता चलता है इस बात का। कुंती माता कहती हैं, आप उन समस्त राजनीतिक पक्ष जितने भी संसार के अंदर ऐसे राजनीतिक अलग अलग पार्टियां बनी हैं या राजनीतिक कोई जो लीडर हैं जो अधर्मी, उनके विध्वंसक हैं, बिना उनका विध्वंस करने वाले जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने में लगे हुए हैं, तरह तरह से समाज के अंदर अराजकता फैलाने में जो लगे हुए हैं ऐसे राजनीतिक, उन सबको विध्वंस करने वाले आप, और आपका शौर्य जो है आपका कभी क्षीण नहीं होता, आपका शौर्य ऐसे आप शूरवीर की, कभी ऐसा नहीं कि आप कभी पराजित हो गए हो, लेकिन हाँ लीला करने के लिए कभी आपने अगर किया रण छोड़ राय भी कहलाए भगवान, लेकिन वास्तव में आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं, वैकुंठ धाम के, वैकुंठ लोकों के आप स्वामी हैं, और आप गायों, ब्राह्मण और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु, कह रहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे विश्व के आप गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण जो है सार रूप में उनके बारे में बताया कि सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं, अपने गोलोक धाम में, परम धाम। सुरभि गाय कैसी है, गाय जितना चाहो उतना दूध दे सकती है, एक ही गाय पूर्ति कर देगी इच्छा पूर्ति जो चाहेंगे आप। वहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों और उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा सहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। गाय, ब्राह्मण और भगवत भक्त जो उनके भक्त हैं उन पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक कारण है, जीवों के सामान्य कल्याण के लिए, कि अगर हम भक्त बने तो भगवान हमारी भी रक्षा करके हमें अपने चरणों में, अपनी सेवा में बुला सकते हैं, लेकिन भक्ति हमें गंभीरता से करनी पड़ेगी, सीरियसली। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो इससे कि कुंती माता की कैसे उनकी ये प्रार्थनाएं बता रही हैं कि उनका मन भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में कैसे अनुरक्त है, जैसे कोई भौरा फूलों के प्रति आसक्त होता है, ऐसे ही कुंती महारानी का मन जो है, स्त्री होते हुए परिवार है सब, लेकिन उनका मन आसक्त है भगवान कृष्ण के चरणों में, जो उनकी प्रार्थनाएं बता रही। तो हमें कुंती महारानी से ये सीख लेनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कुंती महारानी को, जैसे आपकी
एक निष्ठ जो आपकी श्रद्धा विश्वास है भगवान कृष्ण के चरणों में, हम पर भी कृपा करें कि अपने चरणों की थूली हमें प्रदान करें, जिससे हमारे भी हृदय में ऐसा ही कृष्ण प्रेम जाग सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कुंती महाराज से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो कोई प्रश्न? और प्रश्न